हानिया आमिर लंदन में कैसे रैंडम लोगों के साथ एंजॉय कर रही है, आप वीडियो एंजॉय कर सकते हैं। वैसे तो लंदन गई थी हम अवार्ड्स के लिए, हम अवार्ड के खर्चे पर ही गई थी वो, लेकिन वो वहां पर रुक गई अपने दोस्तों के साथ वेकेशन एंजॉय कर रही है और बहुत ही मजे मजे की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं। रिसेंटली वो दिलजीत के कॉन्सर्ट पर भी गई थी जो कि वीडियो सारे प्लेटफॉर्म पर वायरल जा चुकी है। हानिया आमिर और दिलजीत का एक फैन मोमेंट था जो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया, जिस तरह से दिलजीत ने उनको स्टेज पर बुलाया। हानिया आमिर की वैसे भी काफी ज्यादा हाइप क्रिएट हुई हुई है सोशल मीडिया पर, वो अपने काम के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ के लिहाज से भी जानी जाती हैं और अपनी पर्सनल लाइफ से बहुत ज्यादा अपडेट रखती हैं अपने फैंस को। और काफी जुलमुली सी एक एक्ट्रेस हैं वो, जिनको काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। उनकी जो बॉन्डिंग है इंडियन एक्ट्रेस के साथ भी बहुत ज्यादा, बादशाह के साथ उनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, दिलजीत के साथ उनकी बड़ी अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिली थी। दिलजीत ने काफी ज्यादा उनको अच्छे से प्रोटोकॉल्स दिए, उनको स्टेज पर बुलाया जो कि आवाम को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। और उनके जितने भी रीसेंट ड्रामास चल रहे हैं और अभी मैं कभी तुम ड्रामा भी ब्लॉकबस्टर जा रहा है, सुपर हिट जा रहा है, शर्जीना के कैरेक्टर में उनको बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है। हानिया आमिर ने एक डब स्मैश बनाया था जिस पर एक प्रोड्यूसर को उनकी वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई थी, उन्होंने कास्ट किया था उनको जनाल मूवी में एज अ सेकंड लीड एक्ट्रेस, जहां से उनकी पहचान बनी और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता ड्रामों में कदम रखा। ड्रामों में जब वो आई तो उन्होंने अपनी एक्टिंग पर काम किया, उनकी एक्टिंग जो है दिन ब दिन बहुत ही बेहतर होती चली गई। और उसके बाद उनका सोशल मीडिया था उस पर भी उनको बहुत हाइप मिली, अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड वीडियोज भी वो डालती रहती हैं, अपनी पर्सनल लाइफ से फैंस को अपडेट रखती रहती हैं और इस तरह की हरकतें करती रहती हैं, शरारती सी हैं और बहुत ही नेचुरल रहती हैं, तो इस वजह से भी लोग उनको काफी ज्यादा पसंद करते हैं।